हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट डिटेल एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। और इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट दूसरे स्टेट के या यूनियन टेरिटरी के भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पोस्ट ऐसे आपको थंबनेल पर नजर आ रही होंगी, बट आगे और डिटेल कवर करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, साथ ही साथ कॉलेज का नाम क्या है, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन फी, हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट और क्वालिफिकेशन की डिटेल एटसेट्रा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जानने वाले ऐसे कैंडिडेट जो जॉब सीकर्स हैं उनके साथ मेरे वीडियोज जरूर शेयर किया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो वैकेंसीज की डिटेल कुछ इस तरीके से, बॉटनी सब्जेक्ट है, टोटल 9 पोस्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे ये जो यूआर लिखा होता है इसका मतलब होता है अनरिजर्व्ड, ओपन कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी। तो जैसे किसी भी सब्जेक्ट में, किसी रिजर्व कैटेगरी में, सपोज बॉटनी में एसटी में 0 सीट है, तो ऐसे केस में एसटी कैंडिडेट्स यूआर में जाकर, ओपन कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बॉटनी में टोटल 9 पोस्ट है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में टोटल 7 पोस्ट हैं, कॉमर्स में 6 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस में 3, इकोनॉमिक्स में 3, इंग्लिश में 9, हिंदी में 12, हिस्ट्री में 6, मैथमेटिक्स में 12, फिजिक्स में 10, फिजिकल एजुकेशन में 1, एंड इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 10 वैकेंसीज हैं, पंजाबी में 1, संस्कृत में 5, सोशियोलॉजी में 6, जूलॉजी में 7, एनवायरमेंटल साइंस में, ईवीएस में 2 वैकेंसीज हैं। तो इतने सारी वैकेंसीज हैं, और नोटिफिकेशन रिलीज की गई है मैत्री कॉलेज से। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस से बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी है, नवंबर मंथ से ही आ रही है। अभी मैंने अभी एक या दो दिन पहले एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले कॉलेज की वैकेंसी कवर की है, वो आप जाके चेक कर ले प्लेलिस्ट में। तो मैत्री कॉलेज से भी वैकेंसी आई हुई है, 25 फरवरी 2023 की डेट से एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई, टोटल 21 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। और इसमें लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड। ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ करनी होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत अगर परमानेंट पोस्ट है तो वो इन अ वे गवर्नमेंट कॉलेज हो गई और गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इन प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट वेब लिंक। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट लिंक दी होती है, यहाँ पर ही आप जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, वो है colrec.uod.ac.in। कई बार मेन वेबसाइट पर भी, मेन जो कॉलेज की वेबसाइट है वहां पर भी लिंक दी होती है, बट मोस्टली इसी पर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन होती है। दूसरी चीज है, जैसे एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई तो कई बार आप इस लिंक पे जाएंगे तो कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा होता है, तो आपको 2-3 डेज या 1 वीक वेट करना हो सकता है, 7 दिनों के अंदर अंदर एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के बाद इस लिंक पर कॉलेज का नाम ऐड हो जाता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भी की जा सकती है। इन द एकेडमिक लेवल 10 एज पर 7 CPC, तो एकेडमिक लेवल 10 7 CPC दिल्ली में मेट्रो सिटी होने की वजह से HRA ज्यादा है, और इसी वजह से सैलरी जो है 80,000 अराउंड या उससे भी ज्यादा बन जाती है स्टार्टिंग सैलरी। इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज, तो कॉलेज है ये, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, जो डिपार्टमेंट मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इनमें वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट इसकी रहेगी 10 मार्च 2023, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यू आप लिंक पे जाके देखते रहे, जब तक एक्टिवेट है तब तक 10 मार्च अराउंड आप समझे लास्ट डेट है, उसके पहले ही एप्लीकेशन करने की कोशिश करें। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेस एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट में अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, 55% मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके साथ अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट हुआ होना चाहिए या फिर UGC नेट क्वालिफाई होनी चाहिए। और इसके बाद कुछ केसेस में नेट को एग्जम्पशन दी गई है, अदरवाइज 55% मार्क्स के साथ PG प्लस नेट, UGC नेट या फिर CSIR नेट, ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट में एप्लीकेशन करने के लिए। बट कुछ एक या दो केसेस में एग्जम्पशन मिलती है, मतलब नेट रिलैक्सेशन दी जाती है, जो रेयर केसेस हैं, अभी कुछ दिनों से ऐड हो गया है। अगर आपने टॉप 500 इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से PhD डिग्री की हुई है, तब आप विदाउट नेट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं।
नेट शेट भी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कुछ और एक दो केसेस में नेट से एग्जाम किया जाता है, जैसे आपने 11 जुलाई 2009, 11 जुलाई 2009 के पहले अगर एमफिल या फिर पीएचडी रजिस्टर कर लिया, आपकी एमफिल या पीएचडी जो रजिस्टर हुई थी 11 जुलाई 2009 के पहले, अब पीएचडी अवार्ड आपको मिल चुकी है और वो अवार्डेड पीएचडी पॉइंट ए बी सी डी ई में लिखे कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है, तब आपको नेट की जरूरत नहीं है। तो ये एक दो केसेस हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 किसी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी या इससे आपने किया है तो आपको नेट में एग्जेम्पशन मिलेगी या फिर ये वाली कंडीशन। 5% की रिलैक्सेशन, ये जो पीजी में है 55%, इसमें 5% की रिलैक्सेशन मिलती है एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 5% की रिलैक्सेशन है। और भी कुछ केसेस में 5% की रिलैक्सेशन, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 0.5 देख लें। जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से पढ़ लें एप्लीकेशन के पहले। एप्लीकेशन फी कौन से कैटेगरी के लिए नहीं है, नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम द एप्लीकेंट्स एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। तो ऑल फीमेल कैंडिडेट एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स नो एप्लीकेशन फी। तो फी किन के लिए, फिर मेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहने वाली है। ये जो 500 रुपीज आप पे करते हैं ये नॉन रिफंडेबल होती है, किसी भी कंडीशन में आपको रिफंड नहीं मिलेगी। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। 21 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। कभी भी अभी जब इससे आप कोई किसी भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करते हैं, यूट्यूबर है या कोई वेबसाइट है, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करती है, बट ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बैठे आराम से 21 पेजेस हो या 35 पेजेस एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़े, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, क्या शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया लिखे हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन करें। ऑथेंटिसिटी वेबसाइट की जरूर जांच लें। चलिए अभी देख लेते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या रहती है। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया पेज नंबर 11 पर दी हुई है। यहाँ पर कोई भी रिटर्न एग्जामिनेशन रिटर्न टेस्ट नहीं होती है। एकेडमिक एकेडमिक जो आपका परफॉर्मेंस है ग्रेजुएशन या उसके बाद का, उस पर स्कोर दिए जाते हैं, मतलब पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसी पॉइंट्स को ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और मेरिट लिस्ट से ही कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग होती है इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। अब यहाँ पर कई कैंडिडेट्स का कहना रहता है कि सिर्फ नेट के बेसिस पे हो जाएगा क्या, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि और भी स्कोर्स रहते हैं ना, ग्रेजुएशन में आपका क्या मार्क्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या मार्क्स है, एमफिल है क्या, पीएचडी है क्या, नेट विद जेआरएफ है क्या, ओनली नेट है, या आपने कभी रिसर्च पब्लिकेशन की हुई है पीयर रिव्यूड जर्नल में, तो ये सारी चीजें एटलीस्ट एप्लीकेशन करना चाहिए। जिनके लिए फ्री एप्लीकेशन है वो तो जरूर एप्लीकेशन कर दें। चलिए एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो फिलहाल हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया। मैत्री कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने इस लिंक को विकिपीडिया से लिया, आप भी विकिपीडिया से ले सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें, आप देखें अनाउंसमेंट नजर आ रही है, व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर दें। यहाँ पर देखें अनाउंसमेंट नजर आ रही है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये ब्लू से हाईलाइट हो गया, इसके जस्ट साइड में लिखा है व्यू ऑल, ये व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर दें आप। एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपको नजर आ रहा है सबसे पहले, फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ यही टॉप में है। अगर आप जब वीडियो देखें और आप वेबसाइट पर जाएं, कुछ और ऊपर में लिस्ट में आ जाए, लेकिन आपको कौन सा चेक करना है, एडवर्टीजमेंट एंड गाइडलाइन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये परमानेंट पोस्ट के लिए है। और नीचे एक है गेस्ट फैकल्टी के लिए, ये मैंने चेक नहीं किया, इसकी डेट वगैरह आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल जो हमने कवर किया वो परमानेंट पोस्ट रहेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से ले लें या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।